मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सुधीर सर, योर माय टीचर. वेलकम बैक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन, मॉड और मीडियन. देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि सिंपल मीन के बारे में कि मीन एक्चुअल में होता क्या है, मीन कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. तो सर, जनरल कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में मीन एज ए एवरेज. मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है. लाइक दैट मीन को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स वन से, मैनी ऑब्जर्वेशन एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन. ठीक है, एन. तो यहाँ पर एक्स वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. ये ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ मीन. ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड तो एक्चुअल में थ्री मेथड हम यूज़ करते हैं, बट इस साल जो पोर्शन डिडक्ट हुआ है उसमें स्टेप डेविएशन मेथड को डिडक्ट कर दिया है. तो जो हम टू मेथड है हमारी, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड से ही हम बस उन्हें यूज़ करने वाले हैं. तो क्या होती है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होती है, उस पर डिस्कस करते हैं. क्लियर? चलिए, डायरेक्ट मेथड होती है एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ऑन सिग्मा एफ आई. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है. और एक होगा आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का. अब एज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूले में हमें देखना है एज्यूम्ड मीन डी मीन मेथड. इसमें आपका एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, ये हमें देखना है. और डी जो होता है वो एज्यूम्ड मीन होगा आपका. डी हम कैसे यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम और आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे. क्लियर? तो एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं और हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करने वाले हैं. और i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलना है सर, n इक्वल्स टू वन से लेकर n इक्वल्स टू वन से लेकर n तक ही चलेगा ना i का वैल्यू. i का वैल्यू वन से लेकर n, सिमिलर सभी जगह है ना, यहाँ भी n तक ही रहेगा, सिमिलर यहाँ भी चलेगा ना. i का वैल्यू वन से n और यहाँ भी i का वैल्यू वन से n. ठीक है, वन से n चलने वाला है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं. नेक्स्ट है हमारा मॉड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मॉड. सर, मॉड के बारे में बात करें तो मॉड जो होता है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज अ मॉड. ठीक है, बट यहाँ फ्रिक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो मॉड को रिप्रेजेंट करेंगे जेड से. इसका फॉर्मूला होता है एल वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन एच, वेयर एल वन इज अ लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास. एल वन या एल ही चले तो एल ही चले तो, क्योंकि नई बुकों में अब एल ही चला रहा है. और देखें एफ वन फ्रिक्वेंसी जो होगी, हाँ फ्रिक्वेंसी जो होगी एक सेकंड, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, ये मॉड क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी. एफ जीरो जो है
एफ जीरो जो होगी वो फ्रिक्वेंसी मॉड क्लास जो मिल रहा है हमें उससे पहले वाले इंटरवल की प्रिसीडिंग मीन्स, ठीक है। तो क्या बात बोल रहा है, फ्रिक्वेंसी अब मॉडल क्लास दैट वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉड क्लास, मॉड क्लास से पहले वाली इंटरवल की फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ जीरो होने वाली है, क्लियर। और सिमिलर एफ टू जो होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग की जगह क्या हो जाएगा, सक्सेडिंग, सक्सेडिंग जो होगी, या पूरा ही नोट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी दिखेगा नहीं बल्कि दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग मॉड क्लास, सक्सेडिंग प्रीसीडिंग होता है और एक सक्सेडिंग होगा, ठीक है, सक्सेडिंग द मॉड क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है आपका एच, एच जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है, एच क्लास सॉरी क्लास इंटरवल क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सारी उसका क्लास साइज कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इट्स ओके। क्लास साइज एच होता है वो क्लास साइज, एच क्या होता है क्लास साइज, क्लियर। Thank you all of you.